स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे BFR के बारे में, जो नया अपडेट आया है। तो आइए जानते हैं। तो ये अपडेट आया है सितंबर 2018 में। ये SpaceX के हेडक्वार्टर में आया, खुद हेडक्वार्टर में, और इलॉन मस्क खुद, उन्हीं ने ये सारे डिटेल दिए हैं सबके सामने। और आप ये समझिए कि इस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि BFR का एक्चुअल मिशन क्या होगा। BFR पे मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने, ठीक है वो रॉकेट है, लेकिन रॉकेट से किया क्या जाएगा ये इसमें बताया गया। तो अभी का इनका टारगेट ये है कि इस बंदे को, जो कि योकासी जापानीज बंदे हैं और जापानीज बिलियनर हैं, मतलब $3 बिलियन के आसपास का इनका टोटल वर्थ माना जाता है, ये और कुछ आर्टिस्ट लोग को मून के तरफ से घुमा के ले जाया जाएगा। मून पे लैंड नहीं करेंगे, ये बात आप समझिए, चांद पे ये लोग उतरेंगे नहीं, चांद की तरफ घूम के वापस आ जाएंगे। और ये पहले बन जाएंगे जो इन्होंने पे करके चांद तक गए। स्पेस में काफ़ी लोग जा चुके हैं चांद, मतलब स्पेस में पैसा दे के, लेकिन चांद तक कोई नहीं गया। तो ये पहले बनेंगे चांद पे जाने वाले। और BFR का जो रॉकेट था उसमें जो भी चीज़ें थे उसमें काफ़ी अपडेट किया गया है। ये अपडेट के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। अपडेट क्या हुआ कि इन्होंने पेलोड, मतलब कितना वजन ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, उसको कम कर रहे हैं। तो इनका टारगेट यह है कि कोई कम करना नहीं चाहता, लेकिन कम इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता चला है कि मार्केट में डिमांड नहीं है। जैसे ये रॉकेट सबसे बड़ा है, Saturn V, जो चांद रॉकेट जिसको मून रॉकेट कहा जाता है, ये 135 टन डाल सकता था लो अर्थ ऑर्बिट में, और एक ही बार उसका उतना यूज़ किया गया। मतलब चांद पे जाने के लिए जो कि एक बात अलग है, लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में सिर्फ एक ही बार वो यूज़ किया गया स्काई लैब को ऊपर ले जाने के लिए। तो मतलब सब मिला के हिसाब यही बनता है कि ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पेलोड कैपेसिटी का। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, वो ज़रूरत को आप घटा देते हैं, मतलब आप पेलोड जितना भेज रहे हैं उसको कम कर देते हैं और पेलोड का साइज़ बड़ा कर देते हैं, मतलब कितना जगह लेगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि इनका पेलोड अब तो 100 टन है, जो कि इससे कम है, और इनका पेलोड कैपेसिटी 135 मतलब 101,000 क्यूबिक मीटर है, जो कि काफ़ी बड़ा, मतलब समझिए कई हज़ार लीटर का टैंक है ये, समझ लीजिए। तो बहुत बड़ा जगह बना रहे हैं, मतलब जगह जो है आपको बहुत ठोस चीज़ नहीं बना पाएगी, या तो चीज़ बनाए उसको खूब सारा फोल्डिंग वोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बड़ा चीज़ को रख पाएंगे। और इन्होंने अब विंग डाल दिए हैं। तो आप बोलोगे यार विंग को रॉकेट का क्या जरूरत है? तो ये विंग उस लिए नहीं है कि आप उड़ सको, या स्पेस शटल की तरह नहीं है जिससे इसके इस्तेमाल करके लैंड कर सकें। ये विंग सिर्फ इसलिए है कि जिस टाइम ये लोग लैंड करेंगे उस टाइम ये विंग को एडजस्ट करके ये लोग अपना स्पीड जो है उसको स्लो करेंगे, अपने आप को स्लो करेंगे, मतलब एयर ब्रेक्स समझ लीजिए ये है एक तौर का। और कनार्ड भी डाले गए हैं जो कि कंट्रोल करेगा ताकि रॉकेट पलट उलट ना जाए, मतलब कंट्रोल करने के लिए है। तो बेसिकली ये प्लेन की तरह आके एकदम, प्लेन कहना सही नहीं होगा, स्काई डाइवर ये इन्होंने कहा था, तो स्काई डाइवर की तरह समझिए आके धड़ाक से अपने एटमॉस्फेयर में सारी एनर्जी डाल दे रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा कि जब रॉकेट स्पेस में पहुंच जाता है, स्पेस में अपना काम कर लिया, वो बहुत हाई स्पीड चल रहा है, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे आप बात कर रहे हो तो वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो मतलब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो स्लो करने के लिए अपने को उल्टा करके रॉकेट फायर करे फुल स्पीड पे और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड को घटाए, या तो एटमॉस्फेयर में जैसे स्पेस शटल करता था कि ऐसे आके आराम से उसको स्लो कर लेता था। तो आप बोलोगे कि ये आपको इस बूस्टर के साथ ज़रूरत नहीं, क्योंकि बूस्टर ऑर्बिटल स्पीड पे नहीं चलता, बूस्टर 28,000 किलोमीटर पे नहीं चलता, ये लेकिन चलता है। तो इसको स्लो धीमा करना काफ़ी झंझट वाला काम है। तो विंग इसमें हेल्प करेगा ताकि ये काफ़ी एनर्जी अपना घटा ले, और उसके बाद बस एंड में आके एक सुसाइड बर्न, जो कि रॉकेट का कहा जाता है, अगर रॉकेट को रोकने के लिए सुसाइड बर्न किया जाता है, जिसमें बेसिकली वो सिर्फ मार्जिन नहीं होता है उनके पास, ये मतलब अगर नहीं लैंड किया रॉकेट गया, तो इसीलिए उसको सुसाइड बर्न कहा जाता है। तो सुसाइड बर्न करके लैंड करेंगे, तो वो बर्न करके जो री एंट्री के लिए स्लो करना पड़ता है वो स्लो ना करना पड़े बहुत, इसलिए ये सब विंग डाल दिया गया। और विंग का ये लोग एक्स्ट्रा खासियत भी ले रहे हैं कि विंग लैंडिंग लेग की तरह भी काम करेगा। तो आप देखते ही होंगे फाल्कन 9 का बूस्टर जब वापस आता है तो उसके लेग खुलते हैं, इसमें लेग खोलने की जरूरत नहीं रहेगा, लेग हमेशा ही रहेगा, खुला ही रहेगा। तो और उसके बाद ये समझिए कि इसमें इंजन जो लगाया जा रहा है, जैसे कि मैंने SpaceX का वीडियो बनाया हुआ जो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने स्पेसिफाई किया था कि SpaceX इतना सस्ता इसलिए हो गया क्योंकि उन्होंने एक ही इंजन को हर जगह इस्तेमाल किया। मतलब फाल्कन 9 में 10 इंजन होते हैं, उन्होंने 9 इंजन सी लेवल के रखे और एक इंजन वैक्यूम कर रखा, और वो जो एक इंजन है वो अलग नहीं है, वो सेम इंजन है, बस उसका नोजल चेंज कर दिया। इसमें वो भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सी लेवल का इंजन वैक्यूम में नहीं चलेगा, वो चलेगा लेकिन माइलेज ज़्यादा नहीं देगा। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि वही यूज़ कर लें क्योंकि उतना ज़्यादा माइलेज की इनको ज़रूरत नहीं है,
और माइलेज ना होने से मतलब उतना नुकसान नहीं होने वाला, चांद पे तब भी जा पाएंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है अपना प्रोडक्शन लाइन सिंपल कर देंगे, सिर्फ एक इंजन को खूब सारा बनाना बहुत सस्ता पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए 9 इंजन तो इसका अपर स्टेज में है और 30 इंजन इसका लोअर स्टेज में, तो बहुत इंजन बनाना, मतलब समझिए 40 इंजन बनाना है तो मतलब बनाने में टाइम कम लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ सी इंजन का डाल रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसका पेलोड का मतलब क्या होता है, पेलोड जो इन्होंने चेंज कर दिया, तो पेलोड चेंज करना इनके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इनका अभी आइडिया है कि हल्का और भारी चीज़ ले, मतलब बड़ा चीज़ ले जा सके, मतलब बस जैसे अंदर कुछ होता नहीं है, मतलब तो छोटा सा इंजन है और खूब सा चैसी है, खोखला चीज़ है, जैसे स्पेस स्टेशन का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का खूब सारा जो मॉड्यूल्स है वो तो खोखला ही है, तो वजन ज़्यादा नहीं होता लेकिन साइज़ बहुत बड़ा होता है। तो ये उस तरह के मार्केट को टारगेट कर रहे हैं कि बड़े साइज़ को ये ले जा सके। तो ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन कंपटीशन अब जो है, चूंकि इनका वजन घट गया, वो कंपटीशन काफ़ी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब स्पेस लॉन्च सिस्टम जो कि नासा का, जिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ जो आप चेक कर सकते हैं, वो इससे ऊपर चला गया अब, मतलब इसीलिए पेलोड को इतना घटाना कि अब स्पेस लॉन्च सिस्टम से कंपेयर करने लायक हो जाए, ये थोड़ा घोटाला वाला, मतलब क्योंकि मान लीजिए स्पेसएक्स को कैपेसिटी 100 टन का दे भी दिया जाए कि तुम 100 टन का भेजो, ये 130 टन तक भेज सकता है, और 40 टन तक का इसका टारगेट है, 140 टन तक का टारगेट है, क्योंकि ये ब्लॉक बाय ब्लॉक अपग्रेड करते जाएंगे, तो अभी का टारगेट है कि 130 टन ब्लॉक 2 में पहुंच जाएंगे, जो कि ऑलरेडी ज़्यादा है। तो समझिए आप 100 टन का पेलोड भेजिए या 100 टन का पेलोड इसमें, और प्लस उसमें एक एक्स्ट्रा इंजन डाल दीजिए, जो कि बहुत दूर जो मिशन जाते हैं उसमें ऐसा किया जाता है, तो ये तो बहुत सिंपल हो जा रहा है। तो इससे कंपेयर में इसका ना खड़ा हो पाना, मतलब BFR इसके कंपेयर में नहीं खड़ा हो पाएगा, ये थोड़ा खतरनाक बात है। दूसरा, ये जरूरत से ज़्यादा बड़ा है, मतलब 150 टन का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं था, लेकिन 100 टन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पेस वन सिस्टम में भी एक छोटा वर्जन बनाया गया है जो कि सिर्फ कार्गो ले जाएगा, मतलब वो ओरायन कैप्सूल को ले जाके मतलब आदमी लोग को ले जाएगा, या Falcon 9 से ही ले जाया जाए। तो सब मिला के अभी भी ये ऐसा सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि इनका रॉकेट ना ही सबसे बड़ा है ना ही सबसे छोटा है, मतलब कहीं कहीं फंसे हुए हैं। तो ब्लू ओरिजिन जो कि अमेजोन का है, ये एक छोटा रॉकेट बना रहा है जिसका नाम है न्यू ग्लेन, जो कि 60 टन लोअर ऑर्बिट पे ले जाएगा। सो 60 टन कोई हंसने वाली बात नहीं है, मतलब Falcon 9 60 टन का कैपेसिटी रखता है, लेकिन ले नहीं जा सकता क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, मतलब जो उसकी ढांचा है, वो 60 टन नहीं कैरी कर सकता, इसलिए उसको 30 टन तक ही लिमिट किया जाता है, 20-22 टन तक प्रैक्टिकली अलाउड है। तो न्यू ग्लेन स्टार्टिंग से बनाया जा रहा है कि 60 टन वो डाल सके, तो न्यू ग्लेन बहुत, मतलब न्यू ग्लेन बहुत छोटा भी नहीं है, तो ये समझ रहे हैं बहुत तिगड़म वाले सिचुएशन में फंस गया है। तो हम लोग आते हैं कि बहुत सारे डिटेल मिसिंग था जो मैं जानना चाहता था। सबसे पहला कि ये ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग करेंगे कि नहीं, मतलब ऑर्बिट में तेल इसमें दोबारा भरा जाएगा कि नहीं। तो वैसा ना कर मतलब ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्स जाना है तो उसके बिना तो जा नहीं सकते। तो वो नहीं करने का रीज़न ये है कि मुझे क्यों लग रहा है कि नहीं है, कि उन्होंने ये इस तरह के फ़ोटो नहीं दिखाए, कि पीछे इंजन तो दिखा दिया उनके फ़ोटो में लेकिन पाइप्स नहीं थे। ये सब जो पाइप आप देख रहे हैं, ये था कि फ्यूल ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि मतलब लॉन्च पैड पे ही सिर्फ एक जगह पे फ्यूल डालेंगे वो सब जगह पहुंच जाएगा, और जब स्पेस में होंगे तो एक मतलब फ्यूल टैंक आके उसे डिस्चार्ज कर लेंगे। तो वो नहीं हो सकता, मतलब क्योंकि डिज़ाइन में नहीं है। उन्होंने 1:1 मतलब फुल स्केल का एक प्रिंट आउट लटकाया हुआ था, और उस प्रिंट आउट में भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंटरनेट पर इमेज नहीं खोज पा रहा हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में, मैं श्योर नहीं कि ऑर्बिटल रिफ्यूलिंग को करना ही है मार्स के लिए, लेकिन मून जाने के लिए इनको ज़रूरत नहीं है, तो शायद ये ना बना रहे हैं। लेकिन इसका कीमत भरना पड़ेगा कि इनको जो वो बना रहे हैं शटल, जो बेसिकली इनका सेकेंड स्टेज है, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ किया जा पाएगा। दूसरा, लैंडिंग लेग्स नहीं है इनके मतलब बूस्टर में, जो कि मतलब ज़मीन से इसको ऊपर ले जाता, उसका अभी भी ये लोग शायद उसी पे अटके हुए हैं कि ये बिना लैंडिंग लेग के उतारेंगे, जो कि आइडिया बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन मतलब थोड़ा सा भी एटमोसफेयर में कुछ हुआ, मतलब थोड़ा सा भी तेज़ हवा चला, फिसल गया, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन दूसरा जो सब सही में तकलीफ वाला बात है, वो है कि इनका फेयरिंग के बारे में मुझे कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। फेयरिंग जो आप देखते होंगे, अगर Falcon 9 का आप देखते होंगे कि फेयरिंग ऐसे गया गया या खुल गया और सैटेलाइट आपका भेज दिया, या इसरो का जा रहा जा रहा जा रहा धड़ाक से खोला। तो अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर में जो हाल म्यूज़ियम है टोटल मॉल के सामने वाले रास्ते में, मतलब ओल्ड एयरपोर्ट रोड में आपको आगे जाके मिलेगा, वहाँ पे एक फेयरिंग रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, मतलब खूब सारे स्क्रू से बांधा हुआ, वहाँ बारूद लगा रहता है, वो फोड़ के ऐसे दोनों हिस्सा को अलग कर देते हैं। तो वैसा इसमें नहीं किया जा सकता कि अलग नहीं कर सकते, लेकिन जो कि इसमें किया जा सकता है, और ये लोग खूब बड़ा साइज़ दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि SLS बहुत बड़ा साइज़ दे रहा है, और प्लस वजन भी दे रहा है। तो ये समझिए कि SLS जो है 1800 क्यूबिक मीटर दे सकता है, जो कि बहुत बड़ा है यार। 1800 मीटर मतलब समझ लीजिए वो 10 मीटर का दायरा का इनका पेलोड फेयरिंग होगा, और उनका पेलोड सिंपल है, मतलब आराम से है,
खुला, आप आगे निकल गए, उसको कोई लेना है। इसका फेयरिंग वैसा नहीं हो सकता, मतलब इसको आप खोल नहीं सकते क्योंकि नीचे वाले सेक्शन में ये इन्होंने हीट शील्ड डाला हुआ है। हीट शील्ड तो छोड़ दीजिए, पहले वाले डिज़ाइन में तो हीट शील्ड दिखाई नहीं, पहले वाले में ऐसे खुले थे, तो इसका प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे तिगड़म हो जाएगा। फिर आप लोग, बहुत लोग बोल सकते हो कि यार स्पेस शटल जो है उसमें भी तो पेलोड था यहाँ पे, लेकिन आप याद रखिए स्पेस शटल का फ्यूल टैंक बाहर था उसके, मतलब यहाँ पे ऑरेंज कलर का टैंक था जिसको फेंक देते थे, इसमें फ्यूल टैंक है यहाँ पे, मतलब ये जगह पे आप ढक्कन नहीं लगा सकते, ढक्कन यहीं लग सकता है। और ढक्कन जनरली ऐसे रखना सिंपल कि दो सेक्शन है, क्लैम शेल डिज़ाइन जिसको कहा जाता है, बस आराम से खुल गया, पेलोड चला गया, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक तो हीट शील्ड है, हीट शील्ड को खोलना बंद करना असंभव नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल है, और वहीं से फेल होगा अगर ठीक से लॉक नहीं हुआ। तो इसलिए पुराने डिज़ाइन में तो ऐसा देख रहे थे जो तिगड़म अजीब गरीब डिज़ाइन है, और नए डिज़ाइन में चूंकि यहाँ पे विंग है, कनाड जिसको कह रहे हैं, मतलब उसका हाइड्रोलिक सिस्टम है, उसका वजन कह रहेंगे तो मतलब 60% एरिया तक, मतलब सिलेंडर आप लीजिएगा तो 60% एरिया तक, मतलब इस डिज़ाइन में तो दिखा हुआ कि 50% के ऊपर पे सीम दिया हुआ जहाँ से खुलेगा बंद होगा, ठीक है, उसमें तो 60-70% तक बनेगा, तो मतलब एक बहुत छोटा सा ढक्कन बनेगा जो खुलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, लेकिन कैसे करेंगे इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। और ऐसा हो सकता है कि पेलोड वाला जो रॉकेट बनाएंगे, मतलब पेलोड वाला सेकंड स्टेज, उसमें शायद वो कनाड हटा दें सिर्फ इसीलिए कि कनाड के बिना ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो पेलोड फेयरिंग खोलना बंद करना मुश्किल हो जाएगा। और इन लोग अभी तक इसमें लॉन्च अबोर्ट सिस्टम के बारे में कोई भी बात नहीं किया, कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब अगर लॉन्च पैड पर रॉकेट है और रॉकेट फटना शुरू हुआ, लोग गए, मतलब कुछ किया नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते जो कल्पना चावला पे वीडियो बनाया था, ये मतलब नासा का मिस्टेक के बारे में, जानलेवा मिस्टेक के बारे में, उसमें ये था कि प्रॉब्लम इनको दिख गई लेकिन अब ये कुछ कर नहीं सकते, मतलब इनके पास लॉन्च अबोर्ट सिस्टम नहीं था। तो SLS जो बनाया जा रहा है, जो कि नेक्स्ट होगा स्पेस शटल का रिप्लेसमेंट है, इसमें स्टार्टिंग से ऐसा बनाया जा रहा है कि कहीं पे भी कुछ भी हो आप एस्ट्रोनॉट को सेफली निकाल पाएं। ये पूरा बात कर रहे हैं जिसमें एक बार भी ये डिस्कशन नहीं आया कि लॉन्च अबोर्ट कैसे करेंगे, ये कह के चलना कि इसमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा ये बेवकूफ़ी है। मतलब आप गाड़ी में एयरबैग इसलिए नहीं डालते कि गाड़ी एक्सीडेंट करेगा, अगर गलती से किया तो आप जिंदा बचना चाहोगे, तो लॉन्च अबोर्ट ना रहना मुझे मतलब एकदम खल नहीं रहा है। फिर मैं वक्त और समय के बारे में बात करता हूँ, मतलब ये लोग का कितना दाम है और कितना टाइम में ये लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। तो SpaceX के बारे में आप ये समझिए, मैंने उस पर वीडियो बनाया हुआ है कि SpaceX एक्चुअली सक्सेसफुल इसलिए हुआ कि उन्होंने मिडिल मैन को हटा दिया। अब मिडिल मैन को हटाने का मतलब ये होता है कि जैसे समझिए Saturn V जो कि चांद रॉकेट था, उसमें IBM ने भी पार्ट्स बनाए थे, तो IBM ने पार्ट्स खुद नहीं बनाए, IBM ने खूब सारे लोगों का पार्ट्स लिया, अपने पास लिया, बनाया, फिर नासा को चार्ज किया और फिर भेजा उसको। ये एक लंबा स्टेप आ गया। इलॉन मस्क खुद हर चीज़ नहीं बनाता है, मतलब फाल्कन 9 में जितनी चीज़ें सबके सब इलॉन मस्क का नहीं बनाया हुआ है, तो करते क्या है कि सारे पार्ट को IBM को ना हटा के अपने घर डायरेक्ट ले आते हैं। मतलब आप कोई माइक्रो प्रोसेसर बना रहा है, ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर मेरे पास भेजो, कोई PCB बना रहा है आप मेरे पास भेजो, बीच में एक कोई कंप्यूटर वेंडर को नहीं डाल रहे हैं कि ठीक है तुम माइक्रो PCB उनसे खरीदो, तुम माइक्रो प्रोसेसर उनसे लो, दोनों को जोड़ो, असेंबल करो और फिर हमको दो, नहीं वो बीच वाले को हटा दे रहे। तो यही है इनका सीक्रेट सॉस बेसिकली कि कैसे ये लोग इतना सस्ता कर पा रहे हैं रॉकेट को। तो मेन कारण यही है कि बीच वाला जिसको कहते हैं ये मिडिल मैन, ये खूब सारे मिडिल मैन को हटा दिए, मतलब 5 से 6 मिडिल मैन लगता है नासा में और ये लोग 2 से 3 तक उतारती हैं, तो वो मिडिल मैन जितना हटाते जाते हैं उतना प्रॉफिट बढ़ता जाता है। और इससे इनका ये भी समझिए कि प्राइवेट इफिशियंसी इनका बहुत होता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्रॉफिट तभी होगा जब ये खुद प्रॉफिट बनाएंगे, तो इनको इफिशियंसी रखना ज़रूरी है। नासा के जो सप्लायर है, जैसे जो भी कंपनी लॉकहीड मार्टिन या जो भी है, वो नासा के लिए जब बनाता है तो वो चाहता नहीं है कि उसका दाम कम हो, क्योंकि दाम कम होगा उस दाम का 1% इनको मिलता है, मतलब इनका बोनस के तौर पे, मतलब इनकी मेन पेमेंट होती है। तो अगर मान लीजिए 100 करोड़ का इनका बिल आया तो इनको 1 करोड़ मिलेगा उससे, तो ये 1000 करोड़ का ही बिल बनाएंगे ताकि इनको 10 करोड़ मिले। तो ये समझिए SpaceX के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए SpaceX एक्चुअली सस्ता बनाने का खुद से कोशिश करता है। दूसरा, ये लोग टारगेट कर रहे हैं 2025 पे, मजाक है क्या? 2025 बहुत नजदीक है, मतलब 6 या 7 साल समझिए है, और नहीं है उतना टाइम, मतलब 6-7 साल में आप 5%, ये भी क्लियर कट बोला कि SpaceX अभी फोकस नहीं कर रहा है इस पर, क्योंकि SpaceX का मेन फोकस है कि ये एस्ट्रोनॉट्स को सेफली ऊपर ले जाना, मतलब ज़्यादा ऊपर ना ले जाए, ये समझिए बहुत ज़्यादा ऊपर ना चले जाए, तो वही उनका मेन टारगेट है कि ऊपर ले जाए लेकिन ऊपर ना पहुँचा दें। तो SpaceX अभी उस पर फोकस कर रहा है कि कैसे सेफली ले जाए, और मेन अभी वही फोकस है। और इलॉन मस्क खुद गए, खुद मतलब उनके खुद के मुंह से कि SpaceX का सिर्फ 5% ये लोग फोकस कर रहे हैं, तो इतना कम टाइम में ये लोग बना लेंगे कम चांस है। दूसरा, R&D का जो बजट ये बताया, इन्होंने बताया $10 बिलियन, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ये लोग काफ़ी सारे मिडिल मैन को हटा दिए, उसके बाद भी इतना कम दाम में इतना बड़ा रॉकेट बना लेना
ये सही किसी किसी को नहीं लग रहा, मतलब सबको लग रहा है भाई हज़ार चीज़ बिगड़ता है, टाइम लगता है, और टाइम भी जो बता रहे हो टाइम जैसे जैसे खींचता जाएगा, आपको सबकी सैलरी तो देना है ना, सब रुके थोड़े रहेंगे कि आपका रॉकेट जब कंप्लीट होगा तब हमारी सैलरी मिलेगी, कि लोग काम ही नहीं करेंगे। और ये फोटो आया है अभी मार्केट में, जो कि है टूल जिसको कहा जाता है, इसके ऊपर इन्हों कार्बन फाइबर, या इसके ऊपर या अंदर कहीं पे कार्बन फाइबर लपेट के कार्बन फाइबर का वो बनाया जाएगा फ्यूल टैंक। तो लोग समझे यहाँ से यहाँ कूदने में 6 साल नहीं लगता है, 16 साल लगता है यहाँ से यहाँ कूदने में। तो ये देख के सब लोग सोचे अरे अभी बन गया, अभी के अभी निकलेंगे, अभी बहुत लंबा गैप है इसके इसके बीच में, वो 5 साल में नहीं हो सकता। और अगर 6 साल में ये करना चाहते हैं कि नहीं 6 साल में ही हमको करना है, तो इनको पूरा 100% SpaceX का फोकस उस पर होना चाहिए, जो कि नहीं है, जो ये खुद बोल रहे हैं कि नहीं है। तो इनका टाइमलाइन तो सुभान अल्लाह है ही। प्लस ये आखिरी बात जो है, मेरा जो मेरा खून खौलाता है, सब लोग कहते हैं ये बहुत सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा, बहुत सस्ता होगा। अच्छा मैं आपको एक सीधा बात बताता हूँ, जैसे आप iPhone X खरीदते हैं, तो iPhone X सिर्फ $300 का है, तो आपको $1100 में क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए है क्योंकि SpaceX, जैसे मान लीजिए इस केस में रॉकेट बनाया, ठीक है, रॉकेट का जो मेंटेनेंस खर्चा आया, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट करने का, उसमें फ्यूल भरने का, उसको ऊपर भेजने का, उसको वापस कलेक्ट करने का, ठीक है, उसका $10 मिलियन उनका बिल आ गया, ठीक है, इसको आप कॉस्ट में कहें, ठीक है। अब वो जो $10 बिलियन इन्होंने खर्च किया था R&D के लिए, वो कौन देगा? तो इसलिए वो R&D भी ऐड होगा। तो अब R&D ऐड, तो $10 बिलियन है, तो R&D, और ये चाहेंगे कि R&D जल्दी रिकवर हो, वेट नहीं कर सकते कि हाँ हम बहुत थोड़ा सा बहुत लंबे टके, क्योंकि इतना बड़ा रॉकेट बार बार लॉन्च नहीं होगा, हर दिन लॉन्च नहीं होगा, तो R&D का कॉस्ट भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। अब R&D भी आप ले रहे हो और आप कॉस्ट भी ले रहे हो, लेकिन आप अभी तक सिर्फ कॉस्ट पे ही हो, आपका प्रॉफिट नहीं है, और अगर आपका प्रॉफिट नहीं है आप करोगे क्यों? तो प्रॉफिट आएगा। तो इसी तरह मतलब जैसे भी एप्पल के बारे में बता रहा था कि आईफोन सिर्फ 300 का है, तो 1000 में क्यों बेच रहे हैं? कि भैया उसमें तो 300 कहिए तो वो तो सीधे सीधे अपने प्रोग्रामर को देंगे ना, कि भैया प्रोग्रामर जो उसका सॉफ्टवेयर लिख रहा है, और फिर कहिए 100 रखेंगे वो मार्केटिंग के लिए, फिर प्रॉफिट। तो इतना सब मिलाने के बाद इनको भी तो वैसे ही करना है, इनको भी प्रॉफिट चाहिए ना, नहीं तो अगला रॉकेट कैसे बनाएंगे? तो इनका टाइम और कॉस्ट के बारे में तो मैं देख के ही बोर हो गया कि भाई कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में आ गया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सैटर्न BFR का अपडेट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, देखने में कुछ मज़ा आया हो, सीखेंगे हम कुछ। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए कि अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे, और अगर आप सही में इतने दूर तक देख लिए तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं। सब्सक्राइब आप घंटी मत बजाइए, लेकिन आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।